स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro 2016 वर्जन को आप कैसे डाउनलोड मोड में और रिकवरी मोड में कैसे ले जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आप डाउनलोड मोड में कैसे अपने गैलेक्सी J7 2016 को ले जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा अपना डिवाइस, और अगर हो सके मेक श्योर कर लीजिए कि आप अपने बैटरी को भी एक बार वापस से इंसर्ट कर दीजिए। और आपको ये वॉल्यूम डाउन बटन, पावर बटन एंड होम बटन तीनों इक्वली प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद एक वार्निंग मैसेज दिखेगा आपको, जिसमें मेंशन लिखा होगा कि आप अगर कस्टम रोम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए डेंजरस है। ये सैमसंग की तरफ से वार्निंग है, आप उसको इग्नोर कीजिए और वॉल्यूम अप कीजिए। वॉल्यूम अप कीजिए, ये आपका डाउनलोडिंग मोड स्टार्ट हो गया। अब आप ऑडियंस से कोई भी रोम जो है कस्टम रोम फ्लैश कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रिकवरी मोड में आप कैसे अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 को ले जाएंगे। उसके लिए वापस से आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा डिवाइस आपका। मैं अभी यहाँ पे बैटरी निकाल देता हूँ, वापस से मैंने बैटरी लगाया। सपोज़ ये आपका डिवाइस है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, और आपको वॉल्यूम अप, पावर बटन और होम बटन तीनों इक्वली प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करने के बाद आप इसको छोड़ दो कुछ सेकंड के लिए। ये आपने ब्लू स्क्रीन देखा, कुछ सेकंड तक ये स्क्रीन रहता है यहाँ पे। उसके बाद आपको येलो ट्रायंगल दिखेगा, आपको करना ये वॉल्यूम डाउन बटन, या फिर ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कुछ सेकंड में, एक से दो सेकंड में हो जाता है। और यहाँ आपने देखा ये रिकवरी का मेन्यू है, रिबूट सिस्टम नाउ, रिबूट टू बूट लोडर, बूट लोडर, अप्लाई अपडेट फ्रॉम ADB, अप्लाई अपडेट फ्रॉम SD कार्ड, वाइप डेटा, फैक्ट्री रीसेट, वाइप कैश, माउंट सिस्टम, ओके, और पावर ऑफ। तो मैं यहाँ पे रिबूट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और देखते रहिए डिजिटली योर्स। थैंक यू वेरी मच।